जी हाँ, हेलो दोस्तों, टच पैड का स्पोर्ट में आपका स्वागत है। मैं अंगद वर्मा एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है वीडियो वायरल कैसे करें। वीडियो वायरल जो छोटे यूट्यूबर हैं उनका एक ही दो ही चार ही व्यू आता है, तो वो रोना धोना बंद करें और इस वीडियो को देखो अंत तक। आपका वीडियो वायरल 100% गारंटेड के साथ वायरल होगा। वीडियो अपलोड करने का तरीका भी जान लो, आप सब लोग कैसे वीडियो अपलोड करते हैं ये भी सीखो, और वीडियो आप कैसे वायरल करेंगे वो ये भी सीखो। तो टच पैड के स्पोर्ट में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और जो नए यूट्यूबर हैं वो भी ये वीडियो देखे। और बड़े यूट्यूबर तो वायरल हो ही रहे हैं, वो देखने से क्या फ़ायदा, वो तो वायरल होते रहते हैं, तो इसलिए टच पैड में आपका स्वागत है। पहले आप वीडियो वायरल कहाँ से करते हैं ये भी तरीका जान लीजिए। YouTube प्लस आइकन से पहले वीडियो वायरल होता था, अपलोड होता था, तो YouTube प्लस आइकन से जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ही अपना थंबनेल, डिस्क्रिप्शन लिंक और टाइटल जो कुछ भरना था, टैग, ये सब भर के अपलोड कर देते थे, इसलिए आपके YouTube चैनल पे 4-5 ही व्यू आ रहा है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जिस तरह हम छोटे यूट्यूबर ऐसा करते हैं वो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ही चैनल का व्यू और इम्प्रेस और सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, अब बड़े बड़े यूट्यूबर का ही बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर जो चैनल हैं 1 मिलियन 2 मिलियन जा रहे हैं, वो इसी किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं वो भी समझ लीजिए आप। तो वीडियो अपलोड करने का मेन टॉपिक ये है कि आप वीडियो अपलोड करें YouTube प्लस आइकन से ही, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको भरना नहीं है, जैसा कि है अनइंस्टॉल पे आप अपलोड कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप YT स्टूडियो में जाके जो कि आपका जिस टॉपिक का वीडियो है वो टॉपिक का थंबनेल लगाइए अच्छे से, थंबनेल अच्छे से लगाइए क्योंकि क्लिकबेट हो, थंबनेल ही क्लिकबेट सब वीडियो को कराता है और वही वायरल कराने में अहम भूमिका निभाता है। थंबनेल ही वीडियो वायरल कराने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और नहीं करोगे तो आप बड़े भी नहीं हो जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और थंबनेल ही 50% वीडियो को वायरल कराने में मदद करता है। नए यूट्यूबर समझ लो कि थंबनेल ऐसा आप लगाइए अपने टॉपिक के मुताबिक कि लोगों को इम्प्रेस में दिखे कि इसके अंदर कुछ है तो क्लिक करेगा। वीडियो अपलोड करने में आपको टाइटल क्लिकबेट होना चाहिए और सर्चेबल होना चाहिए कि हमेशा अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपने ही वीडियो से हमेशा के लिए पैसा आता रहे, व्यू भी आता रहे। सर्चेबल होना चाहिए और क्लिकबेट होना चाहिए, ऐसा आप उसके अंदर टाइटल लिखिए कि आपके किस मुताबिक से आपका वीडियो बना हुआ है। फिर उसके बाद आपका टाइटल हो जाए, फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में भरिए। आपको एक ही वीडियो का करीबन 15 प्रश्नों का, करीबन 15 उत्तरों का, यानी कि करीबन 15 प्रश्न उसके अंदर लिखिए। जिस कैटेगरी का आपका वीडियो हो उसी कैटेगरी के मुताबिक आपका वीडियो, आप लिखना नहीं जानते हैं तो भी आप समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है और क्या क्या लिखा जाता है। जैसे कि आपका वीडियो है कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसमें जो कीवर्ड दिखे 50% आपका वीडियो वायरल होने में कीवर्ड ही अहम भूमिका निभाता है। तो आप जाके YouTube पे सर्च करिए कि किस YouTube चैनल कैसे बनाएं, आपको करीबन 10 या 15 ऑप्शन आ जाएंगे, जो मेन होगा वो ऊपर ही होगा, ऊपर पे आप क्लिक कीजिए, फिर कई सारे यूट्यूबर का वीडियो आपको शो करेगा। उसके बाद जब शो करेगा तो कोई फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो को आप क्लिक कीजिए, फिर उनका जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है उसको कॉपी करके अपने वीडियो में चिपका दीजिए जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भरना है। टोटल फुल डिस्क्रिप्शन लिंक कॉपी कीजिए और फुल चिपका दीजिए। उसके बाद आपको टैग में जाना है, उस आपका किस कैटेगरी का वीडियो है वो टैग आप उसमें भरिए करीबन 4 शब्दों में,
चार ऑप्शन में आप टैग भरिए, अपना चैनल का नाम भी लिखिए, जैसे मेरा चैनल का नाम है टच पैड का स्प्रोट, ऐसे ही अपना चैनल का नाम भरिए। फिर आपको फिर आपको वहाँ पे जाना है, जेंडर में चूज करना है कि प्लस में 18 प्लस में वीडियो दिखाना चाहते हैं या 18 के नीचे दिखाना चाहते हैं। तो आप अपना वीडियो 18 प्लस में ही चूज करिएगा, नीचे मत करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो बच्चों के कैटेगरी में चला जाएगा तो वहाँ से व्यू आपको कम मिलेगा, वायरल भी कम होगा और सब्सक्राइबर भी कम बढ़ेंगे। ये बात को जरूर ध्यान देना नए यूट्यूबर जो हैं। उसके बाद आपको वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में आपका किस कैटेगरी का वीडियो है, चैनल कैटेगरी अलग होता है और वीडियो कैटेगरी अलग होता है। तो आपका वीडियो वाहन कैटेगरी का है या नीड कैटेगरी का है या शॉप कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का है या वैज्ञानिक के मुताबिक कैटेगरी का है या फिर ब्लॉग वीडियो का कैटेगरी का है, जैसे कैटेगरी का वीडियो आपका हो वो कैटेगरी चूज कीजिए। फिर आपको बैक आना है, फिर आप अनइंस्टॉल से पब्लिक आप अपना वीडियो कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप सेव कर दीजिए। इस तरह बड़े बड़े क्रिएटर लोग अपना वीडियो वायरल करते हैं, अपना व्यू बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं इसी तरह। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। इसी के अन्य तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ऑल पे करना कि मैं अपना वीडियो जब डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप अपना यूट्यूब चैनल देख के अपना सुधार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।